मैंने कहा था शादी कर लेंगे बात। अब से मैं कोई कड़वी चीजें नहीं खाऊंगी, अब से स्ट्रिक्ट डाइटिंग बंद। जो मन करे वो कर। सॉरी आपने ठीक से सुना नहीं क्या? मैं फ्रूट्स नहीं खाने वाली हूँ और अब से मैं ये सारा मीठा खाने वाली हूँ। तो कोई नाटक करने की कोई जरूरत नहीं, इस घर के लोग भी चैन से रह सकते, तो बाहर वाले अपने घर वापस जा सकते। पॉप इंडस्ट्रीज में काफी सारा काम पेंडिंग, सारी मीटिंग्स लाइन अप, और तुम्हें सच में लगता है कि मुझे तुम्हारे खाने के टाइम टेबल के किसी भी चीज में इंटरेस्ट होगा? हाँ बिट्टू रिलैक्स, मैं तो सिर्फ तेरा मूड ठीक करने में मदद कर रहा था बस। चिंता मत करो, अभी उससे बात कर क्या था। नहीं भैया आप बात कर लीजिए। ये बिट्टू को बार बार हो क्या जाता है? वो ऐसे ही है, तू नहीं समझेगा बिट्टू। सावी पर फूटा नित्यम का गुस्सा, क्या सावी मना पाएंगे अपने रूठे नित्यम को? जी हाँ, कलर्स टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो सावी की सवारी के आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि कैसे नित्यम को मिल जाएगा मानव का वो लेटर, जिसे पढ़ने पर नित्यम ये जान जाएंगे कि मानव सावी के लिए क्या फील करते हैं। लेकिन उन्हें ऐसा लगेगा कि शायद सावी भी मानव को पसंद करती है, और ऐसे में नित्यम को आएगा गुस्सा, जिससे नित्यम सावी का ध्यान रखने की जगह अभी तो सावी पर भड़क उठेंगे, खुद अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखेंगे, जिसके कारण सावी के साथ वेदिका और रक्षम भी होंगे काफी ज्यादा परेशान। लेकिन नित्यम करेंगे सावी पर गुस्सा, जिसे देखकर उड़ जाएंगे रक्षम और वेदिका के होश, यहाँ तक कि नित्यम सावी को दोबारा घर भेजने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। वेल, अब ये देखना बाकी बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे और किस तरह सावी अपने रूठे नित्यम को मनाती हैं। वेल, नित्यम और सावी की केमिस्ट्री आपको कैसी लगती है हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट एंड गॉसिप के लिए हमारे चैनल पर नजर रखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।